ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନାକୁ ମନା କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସଂସଦରେ କିନ୍ତୁ ବୁଲିଗଲା ନିୟମ। ଲୋକସଭାରେ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ କରି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ଅଧିକାର, ଏଣିକି ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଓବିସି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରିପାରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ହୋଇଗଲେ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ। 50%ରୁ ଅଧିକ ସଂରକ୍ଷଣ ନେଇ ବି ସଂସଦରେ ଉଠିଲା ସ୍ୱର। ବିଜେଡି କହିଲା, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ସଂସଦରେ ମିଳିମିଶି ଓବିସି ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍କୁ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପାରିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକସଭାରେ ଅଣାଯାଇଥିବା ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେଲେ ଏଣିକି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜର ପଛୁଆବର୍ଗ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ, ଏନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ତେବେ ଆଇନତଃ ଏହା ଏବେ 50% ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବ। ଭୋଟ ରାଜନୀତିରେ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ଏକ ମୁଦ୍ଦା ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥାଏ। ସେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଲିଙ୍ଗାୟତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହେଉ କି ରାଜସ୍ଥାନର ଗୁଜର, ସେହିଭଳି ହରିୟାଣାର ଜାଟ କିମ୍ବା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମରାଠା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସବୁବେଳେ ଓବିସି କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ 50% ଟପିବ ନାହିଁ ବୋଲି ରହିଥିବା ସାମ୍ବିଧାନିକ ରୋକ କାରଣରୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ମାତ୍ର ଏବେ ଲୋକସଭାରେ ଏହା ପାରିତ ହୋଇଯିବା ପରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଓବିସି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରିପାରିବେ। हम समर्थन करते हैं, सिर्फ समर्थन ही नहीं, ये समर्थन के साथ साथ कुछ मांग भी है हमारा। ये मांग ये है कि इंदिरा साहनी केस के उपरांत सुप्रीम कोर्ट ने जो 50% सीलिंग रख दिया है, ये 50% सीलिंग को हटाकर प्रदेशों की बात सुनकर कुछ किया जाए। हम सब स्वीकार कर रहे हैं, सदन के जितने भी सदस्य हैं, ये भी अच्छा है कि स्टेट्स को मौका मिल रहा है, वो अपने आप फैसला ले सकते हैं किन जातियों को ओबीसी में शामिल करना है। लेकिन क्या एक ही जगह पर जब तक आप 50% की कैप नहीं बढ़ाएंगे तो क्या ओबीसी को पूरा आरक्षण मिल जाएगा? आप कहते हैं इसी सदन में, क्योंकि ये लोकसभा छोटी पड़ रही है, हमें एक सेंट्रल व्यवस्था बनाना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा सदन बनाना है हमें, सब आराम से बैठ सके। तो आप अपनी सहूलियत के लिए तो बना रहे हैं सेंट्रल व्यवस्था, लेकिन आरक्षण जो सबसे मूल भावना रही मंडल कमीशन की, उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। पिछले ओबीसी समाज में आज भी कई फार्मर्स, कई गरीब, कई विद्यार्थी आज भी गरीब और मट्टी के घरों में रह रहे हैं, पर इसके पीछे कारण कौन है? जिन्होंने 70 वर्ष राज किया है वो इसके पीछे का कारण है। ओबीसी समाज को न्याय नहीं मिला पाए। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସଂସଦରେ ଗତିରୋଧ ଜାରି ରହିଛି। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସଂରକ୍ଷଣ କଥା ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ସ୍ପର୍ଶକାତର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆଗକୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଗୋଆ ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ତେଣୁ କାଳେ ଭୋଟ୍ କଟିଯିବ ସେହି ଆଶଙ୍କାରେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ସବୁ ଦଳ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକାକାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ये बिल यकीनन अच्छा है, मैं इसकी तारीफ करता हूं, और गालिब ने बड़ा खूब कहा था कि ये जो तमाशा मैं देखता हूं कि बगीचे अथवा अटफाल है, दुनिया मेरे आगे होता है सब शब रोज तमाशा मेरे आगे। शुक्रिया। वेर हैप्पी दैट दिस पावर टू आइडेंटिफाई ओबीसी एससीबीसी टू द स्टेट देमसेल्स विल अलाउ द ओडिशा स्टेट वेयर ए लार्ज पर्सन ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग्स टू द ओबीसी एससीबीसी कम्युनिटीज ऑलमोस्ट 54% to conduct survey and frame policies of affirmative action and quotas based on the outcome of such survey। यहां तक कि मैं कहूं तो मीडिया भी शामिल है। जब तक उसमें उनकी आबादी के अनुपात में उनका प्रतिनिधित्व कायम नहीं हो जाता, तब तक सामाजिक न्याय की संकल्पना पूर्ण रूप से साकार नहीं हो सकती है। और इसके लिए जरूरी है कि जो हमारी पिछड़ी रबी कुचली जातियां हैं उनका पहचान का संकट भी दूर हो और उनकी गणना भी सामने आए। ସାଂସଦମାନେ ସଂରକ୍ଷଣ 50%ରୁ ଅଧିକ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛନ୍ତି। ପରନ୍ତୁ ଉସ ମାଙ୍ଗ କୋ ପୁରା କରନେ କା କାମ ଦେଶ କେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦରଣୀୟ ମୋଦୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଜୀ କି ସରକାର କେ ଦ୍ୱାରା ହି କିଆ ଗୟା। 50% ଆରକ୍ଷଣ କି ଜୋ ବାତ କହି ଗଈ, ଇସକି ସୀମା ବଢାନେ କେ ଲିଏ ବାତ କି ଗଈ, କଇ ରାଜନୀତିକ ଦଳୋ କେ ହମାରେ ସାଂସଦୋ କେ ଦ୍ୱାରା କି ଗଈ। सरकार इस भाषा को, इस भावना को अच्छी तरह समझती है कि 50% की आरक्षण की सीमा पर विचार होना चाहिए, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि अब 50% की सीमा 30 साल पहले लगाई गई थी, लेकिन न्यायालय ने अभी तक बार बार यह स्टैंड लिया है कि 50% आरक्षण की सीमा रहना चाहिए, और इसलिए इसके
संवैधानिक एवं कानूनी पहलुओं का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने की आवश्यकता। संविधान अनुच्छेद 9 अनुसार देशर जमीदारी प्रथा लोप पाई यापर ओबीसी वर्गर लोकमानंक मध्यरे सामाजिक और आर्थिक स्तर में उन्नति मध्य आसी निजे संविधान प्रणेता भीमराव आंबेडकर लंबा समय पर संरक्षण व्यवस्था को विरोध करुले मात्र यही व्यवस्था उच्छेद हेब कौन दिनकू दिन अधिकर अधिक मजबूत होबार लगी। भुवनेश्वर अर्धेन्दु शेखर रिपोर्ट ओडिशा रिपोर्टर।